हेलो माय लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल सो नाउ यू गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर वन शॉट कर रहे हैं हम एंड अब जो चैप्टर लिया दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोटा सा चैप्टर है फटाफट फड़ से फिनिश कर देंगे आल्सो दी ऑल दीस कांसेप्ट मैप्स आर टेकन फ्रॉम दी एडुकार्ड बुक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सैंपल पेपर बुक है आपको सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे ये कांसेप्ट मैप्स भी मिल जाएंगे आप परचेस कर सकते हो नॉमिनल प्राइस पे सो गो क्लिक द लिंक ओके चलो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास होता है कार्टिशियन सिस्टम अब ये सिस्टम क्या होता है बेसिकली चलो पहले पढ़ लेते हैं द कार्टेशियन सिस्टम इज अ सिस्टम फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन एक प्लेन है प्लेन मतलब प्लेन ये वाला प्लेन नहीं प्लेन मतलब एक पे, प्लेन पेपर जैसा होता है और वहाँ पे एक डॉट है अब ये डॉट की पोजीशन बताने के लिए हम कार्टेशियन सिस्टम का यूज करते हैं अभी कार्टेशियन सिस्टम बनता कैसे है अ पॉइंट इज लोकेटेड बाय रेफरिंग टू लाइंस इन अ कार्टेशियन सिस्टम दो पपेंडिकुलर लाइंस की हेल्प लेते हैं द एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स 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 डैश एंड वाई एक्सिस इज दर्टिकल लाइन वाई वाई डैश तो आपको नंबर लाइन पता होगा इस तरीके से एक नंबर लाइन होती थी हमारे पास जिसमें बीच में जीरो होता था इस साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते थे एंड इस साइड पर सभी नेगेटिव नंबर्स होते थे तो ये हमारी नंबर लाइन होती थी आप इसी नंबर लाइन को दो लाइन एक हॉरिजोंटल तो यही और वर्टिकल बना दिया जैसे कि इस तरीके से एक लाइन बनाई और एक लाइन इस तरीके से जो हमारी हॉरिजोंटल लाइन है वो होती है एक्स एक्सेस एंड जो ये वर्टिकल लाइन है वो हमारी होती है वाई एक्सेस अब यहाँ पे ये हमारा होता है जीरो विच इज ओरिजन ठीक है एंड यहाँ पे नंबर्स होते हैं वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इसी तरीके से जब हम वाई एक्सेस की बात करते हैं सो so इसमें हमारे पास ऊपर ये ध्यान रखना है ऊपर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड नीचे नेगेटिव नंबर्स होते हैं माइनस वन माइनस टू minus c minus 4 and सो सो ऑन पे जब हम नेमिंग करते हैं तो कैसे लिखते हैं जो पॉजिटिव साइड है वहां पे x लिखते हैं और जो नेगेटिव साइड है वहां पे x डैश लिखते हैं इसी तरीके से ऊपर y लिखेंगे एंड नीचे y डैश लिखेंगे इसलिए x x x को हम डैश बोलते हैं और y एक्सेस को y y डैश क्योंकि ये उसकी नेमिंग करी जाती है ठीक है सो so, आपने देखा यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव x एक्सेस होगी यहाँ पे देख लेते हैं चलो बीच में ओरिजिन है जो हमारा ये जीरो है ऊपर वाली ये y पॉजिटिव एक्सेस हो गई एंड नीचे वाली y डैश

क्वाड्रेंट सो so, इस तरीके से अगर आपका एक प्लेन है एंड अभी हम देख के आए यू हम बनाते हैं वाई एक्सिस और इस तरीके से बनाते हैं हम अपनी एक्स एक्सिस सो एक्स वाई एक्सेस बन गया तो आपने देखा कि इस पूरे प्लेन को उसने चार रीजन्स में डिवाइड किया है इन्हीं चार रीजन्स को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं अब इसकी नेमिंग ध्यान से समझना हमेशा स्टार्ट होती है ये वन यहाँ से यहाँ ऐसे नहीं वन टू थ्री फोर ऐसे नहीं ना करना है इसको दिस इज क्वारेंट वन ये जो हमारा लेफ्ट कॉर्नर वाला ये क्वाड्रेंट वन है सॉरी राइट कॉर्नर वाला क्वाड्रेंट वन है एंड देन इसकी नेमिंग एंटी क्लॉक चलती है मतलब वन की बात दिस इज क्वाड्रेंट टू दिस इज क्वाड्रेंट थ्री एंड दिस इज क्वाड्रेंट फोर ठीक है सो क्वाड्रेंट वन टू थ्री फोर अब यहाँ पे होता क्या है बेसिकली इसके साइंस में हेल्प होती है और साइन भी रटने की जरूरत नहीं है इधर ले आते हैं लास्ट टॉपिक है ये साइंस ऑफ द क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट्स और इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स कोऑर्डिनेट्स क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े कोऑर्डिनेट्स वर्ड अब आए किसी भी पॉइंट को जब हम डिफाइन करते हैं किसी भी पॉइंट को जब आप लिखते हो तो आप इस तरीके से लिखते हो लेट्स सपोज फोर सिक्स सो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ना फोर मतलब उसकी एक्स एक्सिस अभी मैं एक पॉइंट प्लॉट करके दिखाऊंगी समझ आ जाएगा सिक्स मतलब y एक्सिस का पॉइंट हो गया हमेशा पहले x का एक्सिस का लिखा जाएगा फिर वाई एक्सिस का लिखा जाएगा और इन दोनों पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ठीक है अब इन कोऑर्डिनेट्स के क्या साइन होंगे कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी जो पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करता है ठीक है जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो ये पॉइंट ले लिया हमने ठीक है एंड अगर मैं इस पॉइंट से एक्सटेंड करूँ करना क्या होता है वो पॉइंट को एक्स एक्सिस पे भी एक्सटेंड करेंगे वाई एक्सिस पे भी एक्सटेंड करेंगे सो so, जब हम इसको वाई एक्सिस पे एक्सटेंड करेंगे तो यूं जाएगा एंड एक्स एक्सिस पे एक्सटेंड करोगे तो वो नीचे आएगा ठीक है सो पॉइंट कौन सा था ये पॉइंट था इसको हमने उधर लेके गए तो टू पे आए इधर लेके आए तो माइनस वन पे कोऑर्डिनेट्स तो आपको लिखने हैं तो देखो पहले एक्स एक्स का बताओ एक्स एक्स का क्या है माइनस वन एंड वाई एक्स का टू आया है सो so, कोऑर्डिनेट क्या आया इस पॉइंट का माइनस वन टू आपने देखा पहला माइनस का दूसरा प्लस का जितने भी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट्स होंगे सब इसी माइनस प्लस फॉर्म में आएंगे क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ जो भी पॉइंट होगा उस पर माइनस एक्स एक्सिस का आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आई एक्स है इसलिए हर कोई माइनस प्लस होगा इधर जो भी पॉइंट होगा सिमिलरली यहाँ का चलो एक पॉइंट ले लेते हैं ये पॉइंट ले लिया हमने आप इस पॉइंट को अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं सो इधर एक्सटेंड करोगे थ्री पे एक्सटेंड होगा इधर एक्सटेंड करोगे ये वन पे एक्सटेंड होगा एंड अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो कैसे लिखोगे पहले एक्स एक्सेस एक्स एक्सेस क्या है वन और वाई एक्सेस पे थ्री तो आपने देखा दोनों पॉजिटिव है सो so, मतलब क्वाड्रेंट वन में कोई भी पॉइंट लाए करेगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा ठीक है अब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट का देख लेते हैं यहाँ पे अगर हमारा ये पॉइंट है ठीक है सो एक्सटेंड करके देख लो यहाँ पे जाएगा ये माइनस टू पे इधर जाएगा माइनस थ्री पे सो so, अगर इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो एक्स एक्सिस क्या है माइनस टू वाई एक्सेस क्या है माइनस थ्री तो आपने देखा क्वाड्रेंट थ्री में अगर कोई भी पॉइंट होगा तो दोनों के साइन नेगेटिव होंगे क्यों होंगे भाई ऑब्वियसली जितना भी पॉइंट है जब आप एक्सटेंड करोगे तो माइनस ही एक्स एक्सिस है माइनस ही वाई एक्सिस है एंड लास्ट लेट्स टेक दिस पॉइंट ठीक है इस पॉइंट को अगर हमें डिफाइन करना है इसके कॉर्डिनेट्स लिखने इधर एक्सटेंड किया थ्री पे हो रहा है इधर माइनस वन पे हो रहा है सो कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे ऐसा गलती क्या कर सकते हैं कि अगर आप इसको माइनस वन थ्री लिख दो अगर आपने पॉइंट लिख लिया कि माइनस वन और यहाँ से थ्री लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा साइन भी उल्टे हैं क्युं? क्यों क्योंकि पहले हमेशा एक्स एक्सेस का लिखते हैं सो देआर फोर एक्स एक्सेस है थ्री एंड वाई एक्सेस है माइनस वन तो साइन क्या हो गए पहला प्लस का दूसरा माइनस का तो प्लस माइनस तो में जो भी हमारा पॉइंट होगा वो हमेशा ये प्लस पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा ठीक है आई होप अच्छे से समझ में वो आ गया होगा आपको अब इसके किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं किस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो सब आप प्लेलिस्ट विजिट कर लेना हर वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में चैप्टर की प्ले मिल जाएगी आप प्लेलिस्ट विजिट करके इन डेप्थ जो टॉपिक समझने वो भी समझ सकते हो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन देखने वो भी देख सकते हो सो नाउ वैल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड